बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक नागरिक संहिता वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार के लिए संविधान के हिसाब से धर्म निरपेक्षता का पालन करना चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति है और राजधर्म है। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर के भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि पीएम की ओर से 15 अगस्त को लाल किले से बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी धर्मों का एक समान सम्मान की धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्याख्या को क्रिमिनल कहना क्या उचित। सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म है। मायावती ने आगे लिखा कि इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की ओर से देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही, लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। बसपा सुप्रीमो से पहले कांग्रेस ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर निशाना साधा था। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में जिन बड़े सुधारों की पैरोकार थे उनका आरएसएस और जनसंघ ने विरोध किया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से धर्म निरपेक्ष नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव की पैरवी की थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश का बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। लोकसभा चुनाव के बाद से मायावती की सुर काफी ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद एक भी सीट पर बीएसपी को जीत नहीं मिली। इस परिणाम को देखकर मायावती काफी ज्यादा दुखी हुई और जब से ही लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। मायावती केंद्र सरकार की कई बार आलोचना कर चुके हैं और हर मुद्दों पर अब अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही हैं और इससे जाहिर सी बात है कि मायावती को वोट बैंक बटोरने में फायदा जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो दलित कोर वोटर था बीएसपी का, वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया और मायावती को इस बात का डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बीएसपी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।